अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग कर रहे हैं और आज हम बड़े अरसे के बाद घूमने आए हैं, तो हमने सोचा है व्लॉग बना लें। पहले भी मैं कई जगह घूमने गया हूँ लेकिन वो काफ़ी अरसे से व्लॉग किया नहीं था ना, तो आज भी मेरे से बड़ी मुश्किल से व्लॉगिंग हो रही है, वैसे नहीं हो रही मेरे से। तो हमने हमारा असल में प्रोग्राम लाहौर जाने का था। ये जो भाई बैठे हुए हैं ना इधर, इन्होंने 25 दिसंबर को मैं बोला था कि हम लाहौर जाएंगे, मैं आपको लेके जाऊंगा, इन्होंने हमें ट्रीट देनी थी। आज 13 मार्च है तो आज हम आके इधर किला रोहतास आए हैं, लेकिन ये भाई इनको ना शर्म नहीं आ रही कि नहीं ले जाऊं भाई, लेकिन नहीं, आए दिन कोई ना कोई नहीं चक्करों में पड़ जाएगा, गोली करा देगा। खैर पता नहीं बाज आएगा कि नहीं। आप यूँ मुझे इशारे कर रहा है पीछे से ना बोलना बता, लेकिन हम आपको पता है फिर अब जो कहानी होती है हम सारी बताते हैं। खैर अभी हम आए, हमला नहीं होता। अच्छा खैर अभी हम आए हैं किला रोहतास, घूमते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि इस किले में क्या क्या चीज़ें। वैसे इतना कोई हमें पता नहीं है, अभी पीछे हमें गाइड मिले तो कह रहे थे आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ जो बंदे हैं ना ये थोड़े प्रो हैं, तो उन्होंने बोला नहीं भाई हम खुद ही जो है ना मैनेज कर लेंगे सब कुछ, हमें सब कुछ पता है। ये जो वो बंदा खड़ा हुआ है जिसने वेस्ट कोट पहनी हुई है, ये बड़े पुराने ज़माने के, इसके दादा परदादा इसी किले में जो है ना फौजी हुआ करते थे, तो इसको सब पता है। तो खैर मिलते हैं आपसे। वाह ये भाई फोटोग्राफर बने हुए, वाह इसके साथ से लेंगे। जम्मल भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस बंदे के बारे में जो भी तस्वीर ले रहा है। ये इनके दादा अबू ने किला फतह किया था, तो आप इनके ये पोते हैं जो अपने दादा की आत्मा को शांति दे रहे हैं, ये अपने पापा की आत्मा को शांति दे रहे हैं। ये क्या बोल गए, दादा की फतह किया था पापा को शांति दे रहे हैं। किसी कटे हुए खरबूजे की शक्ल लग रहा है। तो ये चाचू जी आप सामने देख रहे हैं, इनका नाम मोहम्मद यूब है, ये इस किले के टूर पे हमारे गाइड थे, इनसे हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली है, तो आइए वो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इन बोर्ड्स के ऊपर जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये सब इनर कोर्ट में, इस किले के टोटल दो हिस्से हैं, एक इनर कोर्ट एक आउटर कोर्ट। इनर कोर्ट जो था वो शेर शाह ने तामीर किया था और आउटर कोर्ट जो है वो उसके बेटे सलीम शाह ने। तो इनर कोर्ट जो है वो शाही खानदान वाला हिस्सा है और आउटर कोर्ट जो है वो आर्मी और लेबर का हिस्सा है। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे, जाके आपको ये सब पॉइंट्स दिखाते हैं। दरवाजे पे कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तीन दरवाजे हैं, तीन मिहराब है, खाना काबा और उस तरफ दाएं बाएं प्रसाद, मुल्ला साहब का, कारी साहब का कमरा है। तो अभी हम बादशाही मस्जिद में हैं और ये वो पीछे चाचू मासा गाइड, उन्होंने हमें काफ़ी सारी बातें बताई हैं जो ज़्यादातर अभी मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैं वीडियो में लगा दूंगा, आप देख लेना वो जो पीछे उन्होंने बातें बोली हैं वो मैं लगाता हूँ वीडियो में, आप देख लो वो क्या कह रहे हैं। सारी बातें तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि सारी चीज़ें याद तो नहीं होती, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैंने सुन ली हैं, आप भी सुन लो, आपके भी नॉलेज में इजाफा होगा। बड़े ख़राब हैं रास्ते इधर के लेके लेकर आए हैं कि आपको कलमा शरीफ दिखाएंगे, डिज़ाइनिंग दिखाएंगे, और ये बाहर का व्यू आपको दिखा रहे हैं, बादशाही गेट का बाहर से मगरब की तरफ का हिस्सा, कलमा शरीफ देख रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नज़र आया सर जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ ऊपर ये पूरा आपका, ये बड़ा ज़बरदस्त और खूबसूरत दरवाज़ा है। तो अभी जो मेरे पीछे आप ये गेट देख रहे हैं ये वाला, ये शाही गेट है, ठीक है, इसके ऊपर अभी आपने देखा होगा बड़ा खूबसूरत करके ना कलमा लिखा हुआ है। और अभी हम आगे जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा कुआं उतार थे, वहाँ जा के आपको दिखाता हूँ। और इससे पीछे अभी मैं गया था बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद इधर भी कोई है, एक इधर रास्ते इतने ख़राब हैं ना कि आप, एक मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा।
तो अभी हम शाही इमाम की तरफ जा रहे हैं, शाही इमाम, शाही हमाम। ओहो कैमरा फंस गया मेरा। वो जहाँ पे वो शावर लिया करते थे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं जहाँ से वो पानी भरते थे और जहाँ पे वो शावर लिया करते थे, भी हम आपको वो जगह दिखाते हैं। ये वो तारीखी कुआं है जहाँ से पानी भरते हैं, मे भी को लैदर का या मट्टी का बर्तन, और ये गुसल खाने हैं जहाँ गुसल, इनमें आगे कपड़ा या पर्दे का इंतजाम था जो ख़त्म हो गया इस तरफ। ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये पीछे जो है ना ये वाली, यहाँ पे वो लोग आके वो कपड़ा वगैरह लगा के तो यहाँ पे वो शावर किया करते थे, गुसल किया करते थे। ये देखिए कुआं, ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं अभी, ये देखें आप, ये कुआं अभी अब सूख गया है। तो ये जो भी अपने पीछे कुआं देखा है, यहाँ से वो पानी भरते थे, ये वो हमाम है जहाँ पे आके वो नहाते थे, गुसल किया करते थे। ये भी रास्ता है कुएं का, ठीक है। और सबको बताएं कि सबसे पहले छोटी टाइल को मुगलों ने इंट्रोड्यूस किया, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी टाइल को यूज किया, ठीक है। सुनने का है कि तो मेरे पीछे भी अब जो ये वाला गेट देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये काबली गेट है, ऑपोजिट काबिल, इसके ऑपोजिट साइड पे जो है ना काबिल है, और दूसरी साइड पे कश्मीरी गेट है, कश्मीर के ऑपोजिट। तो ये भी हल्की सी मैंने आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करना था, मेरी मुँह तो मैंने सोचा आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा कर दूँ। तो उम्मीद करता हूँ कुछ हो गया होगा, वैसे गर्मी बड़ी सख्त है, यकीन करो हालत बड़ी सख्त किस्म की ना, बड़ी सख्त किस्म की हालत टाइट हुई है। 1902 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये वाला रास्ता, ये गांव देहात जो आसपास लगते हैं, उनके लिए बनाया था उनकी रिक्वेस्ट पे। और ये नीचे आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये शाही इमाम है, जो रॉयल फैमिली थी वो यहाँ पे आके शावर लिया करते थे। जो मेरे पीछे भी आप ये किले का ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसको शीशे दरवाज़ा कहते हैं, ठीक है, इसमें शीशे का काम होता था। और आप देख सकते हैं दीवार 50% गिर चुकी है, वहाँ से भी और वहाँ से भी। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि इसमें शीशे का काम होता था, इसलिए इसका नाम शीशे दरवाज़ा था। हमें तो यही पता लग गया, तो हमने आगे तोड़ दिया आपकी तरफ। अब हमें नहीं पता बीच में इसके और क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो अगर पूछना है तो चाचू बताएंगे, लेकिन इतना नहीं है। इंशाल्लाह बाकी हम हम आपको आगे जाके बताती हैं, अभी हम बिल्कुल बताती हैं। ये भी हम पुराने गोदाम में जा रहे हैं। तो ये पुराने गोदाम है, टोटल कितने हैं? 68 है, असला बारूद रखने के लिए, कैदियों के लिए, खुराक का जखीरा, और मेन चेक पोस्टों के चौकीदारों ने ये कमरे। शेरशाह सूरी के चीफ इंजीनियर का नाम सुन लीजिए, शाह सुल्तान, ईरानी इंजीनियर, इसका कमांडर ख्वास खान है। आपकी एंट्री भी शहर के सदर दरवाजे ख्वास खानी गेट से हुई है। टोटल इस किले के 12 दरवाजे हैं, 7 इनर कोर्ट के, 5 आउटर कोर्ट के। अब आप तमाम लोग गोदाम के अंदर वाले ये गोदाम है, यहाँ पे खाना वगैरह रखते थे जी, अनाज के लिए, असला बारूद के लिए, और चेक पोस्टों के तौर पर ये यूज। अच्छा जी, इसके चीफ इंजीनियर ने पूरे किले को किस पे खड़ा किया? आर्च पे, डार्ट कहते हैं उनको, इसमें लकड़ गार्डर की जरूरत नहीं, कॉलम बीम की जरूरत नहीं पड़ती। डार्ट में सेंटर वाला पत्थर जो है पूरे आर्च का वजन भी उठाता, और कीस्टोन पत्थर कहते हैं, और इसमें एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर फंसा के लगाते हैं। और ये डार्ट जो है मुसलमानों के पुराने मेरे मिस्र से है, इराम मिस्र के डार्ट होते हैं। तो इस वक्त आप डार्ट पे खड़े किले को देखें, ये जो दरवाज़ा है ये पिछली बोर्ड ने लगाया, गंदगी ना फैलाएं, आग ना जलाएं, और दूसरा इसको सफाई का खास कर रखें, तो इसलिए। लेकिन इसके बावजूद हाल देख लें हमारी, इंसान के बच्चे भांजे हुए, तुम सबसे इल्तिजा गंद ना फैलाएं। आप इस वक्त खड़े हैं शाह चांद वाली मज़ार के साथ, जो बुखारी सैयद हैं, और 1541 में जो अपनी टीम के साथ लेबर को जो इस तरफ काम कर रही थी,
खाना और पानी तकसीम करते रहे हैं, और जब मुआवजे की बारी आई तो इनकार कर दिया, कहा पैसे नहीं लेंगे, फीस भी ले ला काम करेंगे, इबादत के लिए जगह मांगी और रिक्वेस्ट की कि अगर मैं फोत हो जाऊँ मुझे याद दफना दें। शेर शाह ने और शेर शाह सूरी के बेटे स्लिम शाह सूरी ने बाबा जी को एवार्ड दिया। क्या एवार्ड दिया? जब इस गेट को मुकम्मल किया तो उसका नाम उन्होंने बाबा जी के नाम से शाह चांद वाली गेट रख दिया। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ आई होगी आपको जो भी चाचू ने बताया, मैं तो इतना कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में, जो आपको बताएंगे हमारे चाचू ही बताएंगे, जो समझ रहे ना आप मैं क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा जी, तो ये वो जगह है जहाँ पे फौजी पहरा दिया करते थे, उस टाइम बिजली नहीं हुआ करती थी तो वो दियों का इस्तेमाल करते थे, और ये जो सामने दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये वो दरवाज़ा है जिसको हुमायूं ने गिराया था, क्योंकि मुगलों में रिवाज था कि जो भी किला फतह करते जंग करके या बगैर जंग के उसका मेन हिस्सा गिरा देते रिकॉर्ड के तौर पर, यादगार के तौर पर, जैसे हुमायूं ने ये दरवाज़ा गिराया और मुशर्रफ साहब ने इसकी नई तामीर की है 2001 से 2003 तक, और मौजूदा दौर के मिस्त्रियों ने 3 साल लगा थे। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और शेल कंपनी ने इसका खर्चा किया। आए हम आपको चलते हैं अभी, कौन सा पहाड़ था? टिल्ला। ये मरी के बाद दूसरा बुलंद, मरी के बाद दूसरा बुलंद तीन पहाड़ है। 3,240 फुट इसकी ऊंचाई है। तो आइए आपको दिखाते हैं, बुलंदी है यार। वैसे एक बात है, ऊंचाई और बुलंदी एक चीज़ नहीं होती, ये चाचू जी ने मुझे भी साथ कंफ्यूज कर दिया, मैं भी आगे देखें बोल रहा हूँ इस बात पे आगे गए, सॉरी। वाह, ऊंचाई नहीं, सॉरी, क्या कहने हैं मेरे। तो अभी जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं ये टिल्ला रेंज है, इसकी ऊंचाई जो है वो 3,240 फुट है। मुस्लिम साइंसदान अलबरूनी बुरहान ने ज़मीन की पैमायदारी का मुहित निकाला, शाहीन गोरी मिसाइल के तजर्बे भी इसी टिल्ला रेंज से हुए, तो रांझे को तो आप सब जानते ही होंगे, तो इस पॉइंट ने मुझे सबसे ज़्यादा हिट किया है। तो ये चाचू जी कह रहे थे कि रांझे ने इस टिल्ला रेंज के ऊपर बैठ के ना, इस पहाड़ के ऊपर बैठ के अपने कान में मुंदरी डाली थी। मुझे नहीं पता पॉइंट सच है कि नहीं है, लेकिन अब बताया चाचू ने तो मैंने आपको बता दिया। इसको डिफेंस वॉल किंगरे कहते हैं, फौज अपना भी दिफा करती दुश्मनों पर अटैक करती। जब फौज बाहर से सीढ़ी की मदद से या रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते तो यहाँ से गर्म तेल गर्म पानी फेंकते। दूर से तीर कमान आर्चरी के लिए इस्तेमाल करने के लिए, नीचे खड़ा दुश्मन आपको वाच नहीं कर सकता, आप उसको देख सकते हैं कि दीवार के साथ बाहर क्या कर रहे हैं। यहाँ से बड़े सुराख से छोटी तोप कैनन मंजनी के, और ना सिर्फ दीवार को कंप्लीट किया गया बगैर टेक्नोलॉजी के बगैर मशीनरी के बल्कि डिजाइनिंग के साथ कंप्लीट किया। अच्छा, तो अभी हम सारे पॉइंट घूम आए हैं, तकरीबन 11 पॉइंट थे, और इस टाइम हमारी बिल्कुल हालत जो है ना बहुत संगीन है, बहुत संगीन। हम शूज़ वगैरह उतार के यहाँ बैठ गए हैं क्योंकि हमारे पाँव जो है ना इतने इतने सूज चुके हैं, तो तकरीबन मेरा ख्याल है 7 या 8 किलोमीटर हम चले हैं, और यूं ही को रास्ता था, खासकर वो जो पॉइंट था ना, कौन सा रास्ता, शाही गेट के पास, शाही गेट नहीं, शाही इमाम वाला, उधर तो मैं अभी आप रास्ते देखे होंगे वो वाले, तो वो तो यकीन करो उसने तो हमें इतना ही तोड़ा है ना। एक तो इनकी सीढ़ियाँ भी ना, एक सीढ़ियों होगी तो दूसरी बिल्कुल उसके बराबर में, एक तो यकीन करें ये पता नहीं मुझे इधर इनकी इंतज़ामिया की समझ नहीं लगती, इन्होंने हमें ड्रोन नहीं उड़ाने दिया, इतने दूर से हम ड्रोन उठा के लाए भी हैं, हमने वक्त भी किया, ठीक है, हमने तकलीफ़ भी की ड्रोन उठा के लाने की, लेकिन यहाँ पे आके उनको बोला ड्रोन उड़ाने तो नहीं, पहले जाके कहते हैं लाहौर से जाके इजाज़त ले लो, यार ये को बात करने के लिए हम अब इजाज़त लेने लाहौर जाएगा, ओके ही यार ये इंतहाई छिछोरी हरकत होती है, जो आप यहाँ पे आके चीखें मारते हो ना, अगर कोई देख रहा है इस तरह का बंदा जो जिसने कभी ज़िंदगी में किसी पब्लिक प्लेस पर जाके चीखें मारी हो तो इंसान बन जाओ यार, ये कौन सा तरीका होता है। फैमिलीज़ भी यही होती हैं, आप यहाँ पे आके चीखें मारने लग जाती हो। बहरहाल आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद करता हूँ सबको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग।